हाँ जी तो इफ का फॉर्मूले में, इफ का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो इसमें तीन इनपुट्स हैं, जिसमें से दो इनपुट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब कि ऑप्शनल है, इसका डालना जरूरी नहीं है। डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा, डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, राइट। उसी तरीके से कस्टम फॉर्मेटिंग्स के अंदर में यहाँ जो कोड होते हैं उसका कोड का तीन पैटर्न हो, तीन चार पैटर्न होता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है आपका जीरो एंड चौथा होता है टैक्स। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डाल दिया MRP, डाल दिया ना आपने यहाँ पे MRP, तो क्या होगा कि अगर इसमें नंबर डालेंगे तो MRP शो करेगा, अब माइनस में डालेंगे फिर भी MRP शो करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस से क्यों नहीं, कुछ नहीं किया। अगर मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं दे देता हूँ डिस्काउंट, तो क्या होगा कि अब माइनस वाला फिगर जो होगा उस पर डिस्काउंट शो होगा, प्लस वाले फिगर पे MRP शो होगा। अगर तीसरा पोजीशन मैं डालता हूँ जीरो के लिए, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं फ्री, तो अब जीरो जो होगा, अब यहाँ पे कोई जीरो टाइप करेगा तो फ्री हो जाएगा। और चौथा जो होता है, सबका सेपरेटेड क्या है, सेमी कॉलन। चौथा जो होता है मान लीजिए कि मैं है एन ए कर देता हूँ यहाँ पे एन ए, चौथा हो गया टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट डाल दिया तो NA शो करेगा। तो इसकी प्लेसमेंट समझ में आ गई आपको? तो हाँ जी समझ में आ गई। वो एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही थी क्योंकि वापस में दिया ना कितना था इसको ना डेटा नॉट फाउंड। इसको जो है सिक्वेंसली करना है, समझ गया ना? नहीं वो तो डाल दिया था मैंने, लेकिन जैसे मैंने वो जीरो वाली वैल्यू के साथ जैसे मैंने जीरो सेव किया ना, तो वहां पे दो सेल में वैल्यू आ रही थी, डेटा नॉट फाउंड, और वो पूरा जीरो सेल भी मुझे नजर तो आ आप रहा था, तो इन्वर्टर इसलिए कोमा मैं के अंदर भी कंफ्यूज हो डाल गई। दिए होंगे, गलती किया होगा इसलिए सेमी ठीक कॉलन्स होगा। अब इसमें जाए मान लीजिए इसका फिगर भी शो करना चाहते हो, नंबर शो नहीं हो रहा क्योंकि इसके आगे हमने नंबर शो करने लिए हैश जीरो कुछ डाला नहीं, तो जो नंबर्स है उसके जगह पे जीरो या हैश डाल दीजिए स्पेस देके, लेकिन इन्वर्टर कोमा के बाद डालिएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं। अगर इन्वर्टर कोमा के अंदर डाल दिया तो फिर वो जीरो ही शो करेगा, और सेमी कोलन से पहले। और एट द रेट इसमें इसके लिए अगर आप टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो एट द रेट करें। तो वैसे भी लास्ट वाला वैल्यू तो जो हम डालेंगे, जैसे भी हमने लास्ट वाले वैल्यू में एनए डाला था, तो कुछ भी हम डालेंगे वो तो टेक्स्ट ही दिखाएगा ना, तो एट द रेट जैसे आपने डालने की क्या यहाँ पे डाल जरूरत दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा है। कि हाँ एन जी ए भी दिखाएगा और टेक्स्ट वैल्यू भी दिखाएगा। अगर आप एट द रेट अच्छा ना अच्छा अच्छा डालोगे तो ठीक सिर्फ है एन ए समझ गई दिखेगा। समझ गई। तभी वो मेरा डेटा नॉट फाउंड और वो जो टेक्स्ट था वो दोनों आ रहा था। हाँ गॉट ठीक है। ओके हाँ जी हाँ जी अब ठीक चलिए आगे बढ़े। हाँ जी ठीक।